इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन उत्तर प्रदेश इकाई के पदाधिकारियों ने जिला पूर्ति अधिकारी को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कोटेदारों को राशन कम देने को लेकर फर्जी जांच कराए जाने की मांग, समय से राशन न उठान होने की बात, गोदामों से उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न कम मिलता है, तख्त पट्टी पर कोटेदार लिखता है फिर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जनपद में लगभग विभाग के हर अधिकारी व कर्मचारी को ये बताया जा चुका है कि 95% कोटेदारों को पूरे वजन और कट्टी का वजन नहीं दिया जाता है। दिसंबर माह 2022 में काफी कोटेदारों को चना, तेल, नमक के पैकेट कम प्राप्त हुए हैं, विभाग को बताया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी को लेकर ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के पदाधिकारियों ने जिला पूर्ति अधिकारी को मांग पत्र सौंपा। ज्ञापन देने आए प्रदेश महासचिव अशोक सिंह, धर्मेंद्र विश्वकर्मा, मोहम्मद आलम, आशीष कुमार शुक्ला, नसीम खां अब्दुल कयूम, वीरेंद्र मधुकर, विजयपाल वर्मा, जयप्रकाश पांडे, रामलखन यादव, अजय जायसवाल, वीरेंद्र मधुकर, रामदयाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। प्रदेश महासचिव अशोक सिंह ने आई इंडिया को क्या बताया, आप भी सुनिए। जी बताया, जो अपने ज्ञापन दिया क्या है? मैं आज इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर्स फेडरेशन इकाई उत्तर प्रदेश के जो संगठन मेरा है उसके तहत आज हम लोग जिले स्तर पे एक खाद्यायुक्त महोदय के द्वारा आदेश किया गया है कि जो विपणन अधिकारी हैं जिले के, जिनके द्वारा हम लोगों को खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है, नेफेड के द्वारा जो नमक चना तेल की भी आपूर्ति की गई, उन सभी की जिनके द्वारा आपूर्ति की जा रही है उन्हीं को जाँच के लिए आदेश किए गए हैं। मेरा ये कथन है कि जिन लोगों के द्वारा हम लोगों को घटतौली की जा रही है, खाद्यान्न की आपूर्ति पूर्णतया नहीं दी जा रही है, रोस्टर के अनुसार से खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं की जा रही है, समय वितरण के समय जब होता है उस तारीख तक हम लोगों को आपूर्ति की जा रही है और वो भी घटतौली की जा रही है साथ में, और उन्हीं को जाँच के आदेश दिए गए हैं, इसलिए न्यायोचित नहीं है। इसलिए हम लोगों ने आज जिला पूर्ति कार्यालय से अंतर सीतापुर में हमारे जिला कार्यकारिणी के समस्त लोगों के बीच में, सभी ब्लॉक अध्यक्षों लोगों के बीच में, जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से खाद्यायुक्त महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। जो ये आदेश किया गया है उस पर पुनः विचार किया जाए और इनको इस आदेश से वंचित किया जाए। ज्ञापन सौंपा है, क्या मांग है? मेरी मांग ये है कि जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय पर हम लोग आकर इकट्ठा हुए और ज्ञापन दिया। इसमें निम्न बिंदु इस प्रकार है कि हमको जिन लोगों के द्वारा नमक, तेल, चना कम दिया जा रहा है और कट्टी वेट नहीं दिया जा रहा है, और वही लोग मेरी जांच में लगाए गए हैं जो न्यायचित नहीं है, जिसका पूर्व में हमने विरोध किया था, ये लोग हटाए गए थे, अब पुनः इन लोगों को लगाया गया है, और इस समय अधिकारी लोग आचार चुनाव संहिता लागू है इसलिए कोटेदारों का शोषण करना चाहते हैं, बिना वजह कोटेदारों को परेशान करते हैं, जांच के नाम पर धन उगाही करते हैं। आपका नाम? रामलखन सिंह यादव, जिलाध्यक्ष सीतापुर। हम लोग ज्ञापन देने आए थे, हम लोगों का एक मांग और है, जो हम लोगों को गोदाम द्वारा राशन मिल रहा है वो लास्ट डेटों में मिल रहा है, बिल्कुल जैसे कि वितरण डेट लास्ट 31 से 30 को मिल रहा है, और 300 कार्ड प्लस अगर वितरण हो रहा है तो उसकी जाँच हो रही है। इसमें कोटेदार का कोई रोल नहीं बनता है, इसमें जिम्मेदारी बनती है गोदाम इंचार्ज की, जो राशन लेट पहुंचा रहे, एक दिन में वितरण होना संभव नहीं है और उसकी जांचें हो रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। अब क्या मांग है? हम लोगों की मांग है कि राशन बिल्कुल समय से पहुंचाया जाए या जिम्मेदारी तय की जाए गोदाम इंचार्ज की, राशन समय से पहुँचाना जिम्मेदारी उनकी है, हम लोगों की बांटना जिम्मेदारी है, समय से नहीं मिलेगा तो एक दिन में बांटना का संभव नहीं, तो उसको आदेश देने हो, लिखा पढ़ी दें, कैसे भी दें, उस पर हम लोगों की जाँच का अधिकार नहीं बनता उनका। विशाल रस्तोगी। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। कहाँ रहते हो बेटा? कुतुब नगर।